इंडिया ने आईसीसी के आगे एक और महाज खोल दिया। हर साल टॉप टीमों का वर्ल्ड कप कराने की तैयारियां। आईसीसी टूर्नामेंट के खिलाफ बिग थ्री ममालिक का गठजोड़ बेनकाब। बिग थ्री ममालिक सालाना बड़े चार मुल्की टूर्नामेंट का मंसूबा बनाने लगे। हर साल आईसीसी इवेंट्स के इनकाद की राह में रोड़े अटकाने जाए लगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन पेशकश का एतराफ कर लिया। भारत ने बिग थ्री में शामिल देकर दो ममालिक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ग्लोबल इवेंट कराने की आईसीसी की कोशिशों को सबोताज करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया, जिस पर बाकायदा काम होना शुरू हो गया। वाज़ेह है कि आईसीसी चंद माह पहले कहा था कि वो 2023 के बाद हर साल आईसीसी ग्लोबल इवेंट कराने के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। आईसीसी हर चार साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप कराता है, जबकि हर दो साल बाद टी20 भी कराता है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी कराता है। लेकिन अब आईसीसी चाहता है कि जदीद क्रिकेट के बहतात के मद्देनजर आईसीसी के इवेंट के मबैन वक्फा काफी ज्यादा है, लिहाजा अब हर साल कोई ना कोई आईसीसी इवेंट होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस हवाले से रुकन ममालिक से बाकायदा बातचीत शुरू कर चुका है। दूसरी जानब हर साल भारत ने आईसीसी इवेंट की सख्ती से मुखालफत किया जाए, बल्कि अब वो आईसीसी के इस मनसूबे को सबोताज करने के लिए बाकायदा प्लानिंग कर रहा है, जिसका एतराफ बिग थ्री में शामिल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी कर लिया है। इस भी ने एतराफ किया है कि भारत ने बिग थ्री में शामिल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी चौथी टीम को मिलकर हर साल चार मुल्की टूर्नामेंट मुनक़द करने की पेशकश कर चुका है और इस पर बाकायदा काम भी हो रहा है। ये एक तरह से टॉप टीमों का वर्ल्ड कप होगा। क्रिकेट के एक मारूफ वेबसाइट को बयान दिया है कि ईसीबी ने कहा है कि हम बड़े ममालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते रहते हैं और आइडियाज शेयर करते रहते हैं। दिसंबर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चार मुल्की टूर्नामेंट कराने का बुनियाद का आइडिया दिया, जिससे कुछ मेंबर ममालिक से बातचीत के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। ये चार मुल्की टूर्नामेंट 2021 से शुरू करने का मंसूबा है और इसकी मेजबानी हर साल बिग थ्री में शामिल तीन में से कोई एक मुल्क करता रहेगा। वाज़ेह है कि आईसीसी तीन से ज्यादा ममालिक का टूर्नामेंट कभी भी मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि इससे उसके अपने मफादात को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। बीआईसीसी के सदर सौरव गांगुली इस चार मुल्की टूर्नामेंट के हवाले से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बातचीत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट के हवाले से तहाल कोई फैसला नहीं किया। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।